हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे OSD मेन्यू की। देखिए, जब भी हम CCTV कैमरे को इंस्टॉल करते हैं तो हम DVR की सेटिंग तो प्रॉपरली कर देते हैं, लेकिन कैमरे की सेटिंग की रिक्वायरमेंट किसी किसी पोजीशन पर पड़ती है। हर जगह पर हमें कैमरे की सेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिफ़ॉल्ट ही कैमरा जो आता है पीछे से सेट होके उसी को हम लगा देते हैं। बट किसी किसी पोजीशन पर क्या होता है कि एक्सपोज़र भी हमें सेट करना पड़ता है, बाहर से डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है तो उसकी वजह से कैमरा थोड़ा ब्लैकिश दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भी आपको एक्सपोज़र प्रॉपरली करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको OSD मेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो OSD मेन्यू को कैसे ओपन करते हैं, अगर आपके DVR में OSD मेन्यू नहीं ओपन हो रहा तो उसको कैसे सेट करते हैं, तो इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, OSD यानी कि ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मेन्यू को ओपन करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं नॉर्मली। तो जैसा कि ये CP+ का हमारे पास DVR है और ये चार कैमरे हमारे लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, जिस भी कैमरे का OSD मेन्यू आपने ओपन करना है उसको डबल क्लिक करना है। तो देखिए, ये हमारा कैमरा बड़ा हो गया। इसको अगर आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ये PTZ ऑप्शन में जाएंगे, यानी कि पैन टिल्ट जूम ऑप्शन में, तो इसको अगर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इसको दबाना है। यहाँ पर अगर हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये मेन्यू का ऑप्शन है, एंटर मेन्यू। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए हमारा OSD मेन्यू ओपन हो चुका है। तो OSD मेन्यू बहुत ही ज़रूरी है कैमरों के लिए। देखिए, जब भी आप कैमरे की सेटिंग करते हैं, क्योंकि कैमरे की सेटिंग डायरेक्ट DVR से होना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें ये मेन्यू दिया गया है कैमरे में करने के लिए। तो इसको हम DVR के अंदर जाकर, स्पेशली कैमरे के अंदर जाकर सेटिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्टली DVR में ऐसा कोई फंक्शन अलग से नहीं दिया गया कि आप विदाउट इसको ओपन किए आप सेटिंग कर सको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो वीडियो फॉर्मेट आता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप TVI, CVI, AHD अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, और अगर आपको 1 मेगापिक्सल में चलाना है, 2 मेगापिक्सल में चलाना है, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम इसको वीडियो फॉर्मेट पर, यानी कि जो वीडियो मोड है वहाँ पर लेके जाते हैं, तो ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है वीडियो मोड पर। तो अभी ये 720p है, यानी कि 1 मेगापिक्सल के हिसाब से लगा हुआ है। तो इसको अगर हम पिक्सल्स इसकी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, तो इसको अगर हम करें, ये देखिए अभी ये 720p एट द रेट 50 फ्रेम रेट्स पर आ चुका है। इसको अगर हम और करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 1080p एट द रेट 50 फ्रेम पर आ चुका है। तो ये हमारा 2 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन में अभी चल रहा है। अगर 1 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन में आपने करना है तो 720p पे आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बैकलाइट मोड का ऑप्शन आ जाता है, देन इमेज एडजस्ट का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद एक्सपोजर का ऑप्शन आता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे कैमराज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एक्सपोजर के मोड पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक्सपोजर मोड ऑटो मिलता है। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए लो नॉइस आ जाती है, देन एंटी सिमर आ जाता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, जैसे कैमरे के आगे लाइट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये सारा वर्क करता है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बैक लाइट मोड का ऑप्शन है। तो बैक लाइट मोड के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर BLC का ऑप्शन आता है। कहीं पर अगर आपको लाइट कम लग रही हो, क्योंकि देखिए अभी अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो ये देखिए कितनी डिम लाइट आ रही है, ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप BLC कर देंगे तो थोड़ा सा एक्सपोजर सेट हो जाएगा प्रॉपरली। उसके बाद अगर आप दोबारा से WDR करेंगे तो ये देखिए सारे में प्रॉपर लाइट आ चुकी है। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं अपने कैमरे की। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है सामने से, तो उसको भी एडजस्ट आप इसी के थ्रू करते हैं। तो OSD जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मेन्यू है वो चलाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे आपने सेटिंग करनी है हर एक चीज़ की। तो इस तरह से आप सेटिंग इसमें कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने सेटिंग करनी है। फिलहाल मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब कई बार क्या होता है, देखिए हमने ये इसकी तो सेटिंग कर दी है, लेकिन कई बार हमारा कैमरा लेता ही नहीं है OSD मेन्यू को। मतलब अगर हम क्लिक करते हैं OSD मेन्यू पर तो ये उठाता ही नहीं है। तो जैसा कि हमारे ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कैमरा है, इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये कैमरा है। अगर यहाँ पर मैं PTZ मेन्यू पर जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है नो अवेलेबल कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर दिस चैनल। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोटोकॉल है वो सेट नहीं हुई है। तो इसको अगर आपने सेट करना है तो कैसे आप सेट करेंगे, तो उसके लिए आपने देखिए मेन मेन्यू पर वापस से जाएंगे।
और उसके बाद आपने सेटिंग के ऑप्शन में जाना। अभी ये CP+ का DVR है, तो यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको अलग से ये देखिए PTZ मेन्यू मिलेगा, पैन टिल्ट जूम। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल में नन लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए CV 3.0 और उसके बाद CCTV 2.0 है। तो CVI 3.0 है, CCTV 2.0, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने CVI 3.0 अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ, देन सेव करता हूँ, तो ये मैं बाहर आ चुका हूँ। तो अगर अब मैं दोबारा से एंटर करूँगा PTZ में और ट्राई करूँगा इसको ओपन करने की, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेन्यू पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे ऑप्शंस खुल चुके हैं। तो अगर कभी आपके ऑप्शन ना खुल रहे हो तो आपने सिर्फ प्रोटोकॉल सेट करना है और उस प्रोटोकॉल को सेट करने के बाद आपके ऑप्शन ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। तो OSD मेन्यू आपने हर एक में चेक करना है कैमरे में, जब भी आपको कैमरे की सेटिंग करनी है, कैमरे का एक्सपोजर सेट करना है, उसको उसकी रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो गाइस, देखा आपने कितनी इजी सेटिंग थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। DVR की तो हम रेगुलरली करते ही है सेटिंग, बट कैमरे के भी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपने कैमरे को इंस्टॉल किया है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कैमरे को। तो उसमें आप कैमरे को 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल भी अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं, WDR को एडजस्ट कर सकते हैं, BLC को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग A to Z सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। इवन इमेज की सेटिंग भी आप कर सकते हैं, कितना आपको एक्सपोजर चाहिए, कितना आपको ब्राइटनेस चाहिए, कितना सेचुरेशन चाहिए, शार्पनेस कितनी चाहिए, तो वो सब कुछ आप कैमरे के OSD मेन्यू में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा बताया कि अगर आपका कैसे मेन्यू ओपन नहीं हो रहा तो आपने क्या सेटिंग करनी है, और मेन्यू ओपन करने के बाद आपने किस तरह से सेटिंग करनी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।